गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज अनु आप सभी का इंग्लिश सेमिनरी आई सी आई सी हब पे वेलकम है आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट टू टू चैप्टर्स बुक वर्क और फिफ्थ क्लास फिफ्थ क्लास के फर्स्ट टू चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बुक वर्क करेंगे आज हम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर फ्रॉम वन टू फाइव इन ब्लैंक्स टू अरेंज द इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर तो आपको फाइव क्वेश्चन फाइव नीचे सेंटेंसेस दिए हैं वो आपने क्या करने हैं अरेंज करने हैं फर्स्ट इज डोन डोंट क्विक सोर्स मैन हु वॉज वियरिंग सम थिंग लीडरिंग तो ये कहाँ सेटअप होगा ये सेंटेंस नंबर फाइव पर सेटअप होगा यहाँ नंबर फाइव राइट कर लो सेकंड इज मिस्टर क्विकसाना फाउंड सम आर्मर अ हेलमेट एंड अ लेंस इन हिज स्टोर तो ये सेकंड नंबर पे सेटअप होगा नेक्स्ट इज थर्ड सेंटेंस है मिस्टर क्विकसाना वॉन्ट टू बिकम अ नाइट ये फर्स्ट सेंटेंस है तो आप इस पे फर्स्ट नंबर राइट करो मिस्टर क्विकसाना गेव ही मा न्यू टाइटल ये सेंटेंस थर्ड नंबर पे सेटअप होगा डॉन क्विक के होटे लुक्ट अ स्क्वायर ये फोर नंबर पे आएगा राइट कर लो आई गेव यू वन मिनट नेक्स्ट इज चूज द राइट आंसर पेज नंबर फिफ्टीन पर आपको कुछ एम सी क्यूज दिए हैं राइट ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट इज मिस्टर क्विकसाना वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज बिकॉज ये ऑप्शन सी करेक्ट है मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ही डिड मैनी स्ट्रेंज थिंग्स वो बहुत अजीब चीजें करते थे बी इज मिस्टर क्विकसाना फोगेट हिमसेल्फ टाइम बिकॉज बिकॉज ही रेड ऑल डे नाइट वो अपने आप को भी भूल जाते थे क्यों भूल जाते थे क्योंकि वो क्या करते थे डे एंड नाइट पढ़ते ही रहते थे नेक्स्ट एज सी क्या है मिस्टर क्विकानाज बिगेस्ट नीड आफ्टर ही डिसाइडेड टू बिकम आ नाइट वॉच नाइट बनने के बाद उसकी बिगेस्ट नीड क्या थी अ न्यू टाइटल ठीक है न्यू टाइटल इज करेक्ट नेक्स्ट इज योर पेज नंबर सेवनटीन फर्स्ट टू चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अगर आपने लेसन नहीं सुना है तो आप लेसन पहले सुन सकते हैं फिर आपको बुक वर्क अच्छे से समझ आ जाएगा पेज नंबर पे दिया हुआ है नेक्स्ट इज सर्कल द इडियम इन ईच सेंटेंस देयर मीनिंग्स फ्रॉम द सेंटेंसेस सर्कल करने हैं जहां भी हमें इडियम दिखते हैं और उनके मीनिंग भी राइट करने है फर्स्ट ए है हमारा यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर आंसर ठीक है तो इसका मीनिंग क्या होता है हिट द नेल ऑन द हेड इसका मीनिंग ये है टू समथिंग करेक्टली डू समथिंग करेक्टली बिल्कुल करेक्ट करना बी है बी देख लो इट वॉज अ सीक्रेट अंटिल राहुल स्पिल द बीस स्पिल द बीन्स ये क्या idiom है एडियम है अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो इसका मीनिंग क्या होता है टू टेल अ सीक्रेट सारी रल्स खोल देना सी इज इट रेंड कैट्स एंड डॉग लास्ट नाइट तो सी का क्या है रेंड हैविली इसका मीनिंग ये होता है एंड डी इज दिस कार मी एंड आर्म एंड अग इसका मीनिंग कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग इसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव डी का ये मीनिंग है वेरी एक्सपेंसिव ई है दैट एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक पीस ऑफ केक होता है वेरी इजी एफ ही क्लींस हिज रूम वंस आर ब्लू मून्स वंस आर ब्लू मून्स का मीनिंग होता है वेरी रेयरली राइट कर लो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आई केव यू वन मिनट आगे चलती हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मैच द इडियम्स ऑन द लेफ्ट विद दियर मीनिंग ठीक है इडियम्स दिए हुए हैं आपको राइट साइड लेफ्ट साइड आपको इडियम दिए हुए हैं और राइट right साइड आपको इसके मीनिंग दिए हुए हैं तो करते हैं फर्स्ट इज एड फ्यूल टू द फायर आग में घी डालना ए को हमने मैच करना है इससे टू मेक समथिंग वर्ड्स बहुत बुरा करना बी है इन द सेम बोट इन द सेम बोट को मैच करना है वन से टू बी इन द सेम सिचुएशन एज समबडी एल्स किसी की सेम सिचुएशन किसी की प्रॉब्लम सेम हो सकती है ठीक है कुछ सिचुएशन सेम मिलती हो तो हम उसको ईडीएम में बोलेंगे इन द सेम बोट थर्ड इज डाउन इन द डम्प डाउन इन द डम्प का मीनिंग होता है टू फील वेरी सैड बहुत बुरी तरह से हार जाना हार मान लेना या फिर कुछ टू फील वेरी सैड किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा सैड फील करना डी इज टू गेट कॉल्ड फीट टू गेट कॉल फीट इसको मैच करना है सेकेंड से टू बिकम नर्वस बिफोर डूइंग समथिंग कुछ करने से पहले नर्वस फील करना इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टॉप वर्ल्ड के शिखर पर होना इसका मीनिंग क्या है इज टू फील वेरी हैप्पी इसके साथ आपने मैच करना है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो बहुत हैप्पी फील करते हो तो हम ये ईडीएम यूज करते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हिट द सेक्ट इसका मीनिंग होता है टू गो टू बैट सोने जाना आई थिंक यू सो मच आ गया होगा आपको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो पेज नंबर नाइनटीन पर है हम मैच द पर्सनल प्रोनाउन ऑन द लेफ्ट विद द प्रोनाउन प्रोनाउन को हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मैच करना है इट को मैच करना है इट सेल्फ से शी को हर सेल्फ से एंड यू प्लूरल हो तो योर सेल्वस ठीक है एंड आई को माई सेल्फ से यू को सिंगुलर अगर योर सेल्फ वी अवर सेल्फ ही हिम सेल्फ दे को डेम सेल्वस देखो देम सेल्वस से मैच करना है नेक्स्ट इज यहाँ क्या पूछा गया है ट्रू फॉल्स बताने आई थिंक ये देखो आर यू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेक्टली इन द सेंटेंसेस बिलो पुट अ टिक आफ्टर द करेक्ट सेंटेंस एंड अ क्रॉस आफ्टर द इनकरेक्ट वंस पर यूज किए गए हैं करेक्टली अगर परनाउंस करेक्ट है तो टिक करो अगर वहां परनाउन रॉन्ग यूज किया गया है तो वो इनकोरेक्ट है उसके लिए क्रॉस यूज करना है फर्स्ट इज माई ग्रैंड मदर लिव्स अलॉन एंड शी कुक्स हर फूड इट्स सेल्फ तो ग्रैंड मदर क्या है शी है तो यहाँ हर सेल्फ आना था तो ये क्रॉस है सेकेंड इज यू कैन मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल ओन द सोफा ठीक है यू है यू रिफ्लेक्ट करता है योर सेल्फ यू को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए यू कैन मेक योर सेल्फ तो इस पर हम टिक करेंगे ये बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउन रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन यूज किया है ये कोरेक्ट है सी इज एन एरोप्लेन कैनोट फ्लाई दम सेल्वस एन एरोप्लेन वन है सिंगुलर है तो यहाँ दम सेल्फस रॉन्ग यूज किया है ये यह यहाँ पे आना था इट हम यूज करते तो यहाँ क्रॉस यूज किया गया है डी इज आई हर्ट माई सेल्फ बाइ बॉडिंग द स्कूल बस ये करेक्ट है आई और यहाँ पे माई सेल्फ ठीक है आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है माई सेल्फ ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है दैट्स वाई वी यूज माई सेल्फ नेक्स्ट इज फ्लिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट ब्रैकेट में प्रोनाउन्स दिए हुए हैं आपने कोेक्ट चूज करना है ऑलरेडी मैंने टेक किए हुए हैं फर्स्ट इज द शाह डैश्ड यहाँ सेल्व आएगा दोनों में से थ्री ऑप्शन दिए हैं इज करेक्ट वी विल फाइंड द पाथ टू सक्सेस आवर सेल्फ क्योंकि हमने वी का हमने पढ़ा था वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आवर सेल्फ होता है तो आवर सेल्फ सेलेबस पे हम क्या करेंगे टिक करेंगे थर्ड इज प्लीज फिनिश दीज ट्री एक्सरसाइजेस थ्री एक्सरसाइजेस डैश बिफोर अटेम्पटिंग दू यहाँ पे हम योर सेल्फ ठीक है सेकेंड पर्सन को बोला जा रहा है यहाँ पे डिसअपियर है सब्जेक्ट तो हम क्या यूज करेंगे योर सेल्फ नेक्स्ट इज डी अ अन कैन फीड डैश इन द फॉरेस्ट लाइन इट्स सेल्फ सिंगुलर है तो हम इट्स सेल्फ यूज करेंगे क्वेश्चन इज ही चेंज इन टू अ पेयर ऑफ पजाम बिफोर कुकिंग डैश अ मील यहाँ पे हम हिम सेल्फ यूज करेंगे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है एफ इज आफ्टर अफ्टर अ टर्निंग डे आई रीड अ बुक टू पुट डैश टू स्लीपाई सेल्फ माई सेल्फ क्यों आएगा क्योंकि हमें सब्जेक्ट कौन सा दिया है आए तो हम माई सेल्फ ही यूज करेंगे गुड डॉक्टर प्राइड गुड डॉक्टर Pride dash on their to the पे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, plural, plural दिया हुआ है तो हम लगाएंगे. चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं टर्न योर पेज नेक्स्ट पेज इज ट्वेंटी पेज नंबर ट्वेंटी पे हमने मैच करना है नेक्स्ट क्या है इसके लिए पहले आपने लिसन करना होता है चलो वैसे कर लेते हैं फर्स्ट है हमारा हाई एंड लो हाई एंड लो को हम किसके साथ मैच करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी के साथ सेकेंड इज कट आउट टू बी कट आउट टू बी को हम किसके साथ मैच करने वाले हैं यहाँ जी के साथ ये जी के साथ मैच होगा मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सुटेबल फॉर आ पर्टिकुलर जॉब इसके साथ थर्ड इज लुक फॉर लुक फॉर आई के साथ मैच होगा सर्च लुक फॉर का मीनिंग होता है सर्च करना फोर्थ है रेडी मीनिंग इज रेड फोर्थ इज फर्स्ट रेडिश पिंक ठीक है नेक्स्ट इज फिफ्थ स्कार अस्कार क्या क्या मीनिंग होता है बी अ मार्क ठीक है सिक्स इज लाइट कर्ल्स वेवी हेयर्स नॉट स्ट्रेट मीन्स कर्ली हेयर को हम क्या कहते हैं लाइट कर्ल्स सेवेंथ इज ब्रिम ब्रिम इज एफ से हम इसको मैच करेंगे एफ से हम इसको मैच करेंगे सेवंथ को Hatch around the bottom of a hat that sticks out around the head. Next is appealing, appealing ka meaning is likable. Ninth is snub, snub is not sharp. Next is नेक्स्ट इज पेज नंबर ट्वेंटी वन यू मे लिसन टू द रिकॉर्डिंग अ आफ्टर यू हैव फिनिश टू चेक अप अपदर यू हैव गॉट द आंसर्स राइट यहाँ ट्रू और फॉल्स अपने टिक करने हैं सेंचू पांजा वॉज एक्चुअली अ फार्मर इज ये ट्रू है एक्चुअली में वो फार्मर था सेकेंड इज ही लुक्ड वेरी मस्कुलर हीरो स्क्यूलर हीरो ये फॉल्स है थर्ड इज ही प्रेफर टू यूज द प्लग देन वी ये फॉल्स है नेक्स्ट इज ही लव टू गो प्लेसिज एंड हैव डेंजरस एक्सपीरियंसिस ट्रू वो डिफरेंट प्लेसिज पे जाना पसंद करता था और डेंजरस एक्सपीरियंस करता था फिफ्थ इज

first is correct stolen by evil men second is the barber clapped his basin up upside down upon his head because he wanted to cover his new hat third is correct third option is me correct don quijote believes the reason memorinos helmet looks like a basin in

तो इसको हम मैच करेंगे क्वेश्चन यहाँ सेंटेंस फोर्थ के साथ एवरी वन हैज गुड लक और सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ कि सबका सबके पास क्या होता है गुड लक होता है सक्सेस अपनी लाइफ के कुछ पॉइंट पर वो, वो क्या करते हैं सक्सेस होते हैं बी इज टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट बी इज बी को हम फर्स्ट सेंटेंस के साथ मैच करेंगे इफ अ बैड थिंग इज डन टू यू अगर आपके लिए कोई चीज़ बुरी है डोंट डू do, तो मत करो समथिंग बैड एज अ रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स बैड ही होगा ब यूटी बूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम फिफ्थ सेंटेंस के साथ मैच करने वाले हैं ईच पर्सन हैज देयर ओन आइडिया ऑफ वट इज ब्यूटी ब्यूटी के रिलेटेड हर किसी के डिफरेंट आइडियाज होते हैं अबाउट ब्यूटी एंड डी इज द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल इसका मीनिंग क्या है इसको हम सेकेंड सेंटेंस के साथ मैच करेंगे अदर पीपल्स लाइज ऑलवेज लुक बेटर देन योर ऑन इवन वैन दे आर नोट रियली सो कि दूसरों की लाइफ हमेशा बेटर दिखती है एक्चुअल में जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता रियल में ऐसा नहीं होता कई बार हम बोल देते हैं हमारी लाइफ से तो अच्छा अच्छी उनकी लाइफ है तो दिखने में ऐसा होता है रियली really में ऐसा नहीं होता ई इज आ फूल एंड हिज मनी आर सोन पार्टिड इसका मीनिंग क्या है मीनिंग इज यहाँ थर्ड सेंटेंस के साथ इसको मैच कर देंगे इफ यू आर नॉट केयरफुली विद योर मनी यू विल सून लॉस इट अगर आप अपनी मनी के अबाउट केयरफुल नहीं हो तो इसको आप जल्दी लॉस कर दोगे खो दोगे आई थिंक समझ में आ गया होगा नेक्स्ट चलती हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज थर्ड क्वेश्चन इज़ वैन यू कैन यूज दीज प्रोवर्ब्स इन अ कन्वर्सेशन मार्क द मोस्ट सुटेबल आंसर इन प्रो प्रोवर्ब्स को अगर आप कन्वर्सेशन में यूज़ करते हो तो हमने मोस्ट सुटेबल आंसर पर टिक करना है फर्स्ट इज देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर इसके हमने ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक करना है इसका मीनिंग होता है यू थिंक आर रिमर दैट यू हेयर मस्ट बी ट्रू आपको लगता है आपने जो अफवाहें सुनी है वो सच होनी चाहिए वेयर देयर इज अ वे देयर इज विल देयर इज अ वे किसी को भी एनकरेज करना जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ दिया गया है टू एनकरेज अ फ्रेंड टू कीप स्टडिंग फॉर एन इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन अपने फ्रेंड को एनकरेज करना स्टडी करने के लिए फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन नेक्स्ट इज यू कान जज अ बुक बाय इट्स कवर इसका मीनिंग है करेक्ट मीनिंग सेकेंड ऑप्शन पे टिक करेंगे यू योर फ्रेंड मेक फन ऑफ अ न्यू क्लासमेट फॉर हिज हर क्लोथ्स आपका जो फ्रेंड है वो क्या करता है फन मजाक उड़ाता है न्यू क्लासमेट के क्लोथ्स पर किसी भी किसी के कपड़े को लेकर मजाक उड़ाना या किसी को किसी के क्लोथ गंदे हैं या अच्छे हैं उसको लेकर किसी को जज करना तो ये मोस्ट सूटेबल हो जाती है यहाँ पे नेक्स्ट इज लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड स्पेड होता है कुदाल जिस वो खोदने के काम आती है उसको कुदाल बोलते हैं इस इसके लिए फर्स्ट आप you चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपको honest explanation दे फर्स्ट टू चैप्टर का हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है अगर आपको इसमें डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं